ने बॉर्डर में 48 फंदे डाले हैं और 10 लाइन सीधा सीधा बना है, जिससे 5 उल्टे फंदों की धारियां आ गई। क्योंकि हमारा डिज़ाइन रॉन्ग साइड से शुरू होता है, इसलिए हमने 11वां लाइन भी सीधा सीधा बुनते हुए रॉन्ग साइड में आ गए। क्योंकि ये डिज़ाइन दो रंग का है, हम अपना दूसरे रंग का ऊन अटैच करेंगे। दोनों साइड में 7-7 फंदे का बॉर्डर रहेगा, इसलिए 7 फंदा सीधा बुन लेंगे और फिर 4 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। 1, 2, 3, 4, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सेकेंडरी कलर से उल्टा। 2, 3, 4, 5, 6, फिर 2 फंदा स्लिप कर, 6 फंदा उल्टा। डिज़ाइन को शुरुआत में हमने 4 फंदा उल्टा बुना था, तो लास्ट में भी हमारा 4 फंदा उल्टा आएगा। साइड के 7 फंदे सीधे, और सीधे बुनने से पहले हमें दोनों धागों को ऐसे क्रॉस करना होगा और फिर 7 फंदा सीधा। अब पहले फंदे में ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे और 6 फंदा सीधा बना लेंगे। ऐसे पहले हम इसे क्रॉस कर लेंगे, दूसरे रंग के ऊन से इन 4 फंदों को उल्टा बनाएंगे। पहली लाइन में भी हमने उल्टा बनाया और दूसरी लाइन में भी उल्टा, फिर स्लिप किए हुए 2 फंदों को स्लिप कर लेंगे और अब 6 फंदों को उल्टा बनाएंगे। इन्हीं 8 फंदों को 2 फंदा स्लिप करना है और 6 फंदा उल्टा, पूरी लाइन में हम दोहराएंगे। शुरुआत में भी 4 फंदे उल्टे थे और डिज़ाइन के लास्ट में भी 4 फंदे उल्टे ही आएंगे। 4 फंदा उल्टा। अब उनको दूसरी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को उनको आपस में क्रॉस करेंगे और लास्ट के 7 फंदे जो कि बॉर्डर के हैं, इसे हम सफ़ेद रंग के ऊन से या प्राइमरी कलर के ऊन से सीधा बुन लेंगे। डिज़ाइन का 3rd रो और रॉन्ग साइड, इन बॉर्डर के 7 फंदों को हमें दोनों तरफ से सीधा ही बुनना है। 4 फंदों को सेकेंडरी कलर के ऊन से सीधा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सीधा, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सीधा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, 6 फंदा सीधा, फिर बॉर्डर के 7 फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे। सामने से 7 फंदे प्राइमरी कलर के ऊन से सीधे, फिर ऐसे क्रॉस करेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, 4 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा सेकेंडरी कलर के ऊन से उल्टा, फिर 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा उल्टा, और फिर लास्ट में 4 फंदा उल्टा और फिर बॉर्डर के 7 फंदे सीधे। अब रॉन्ग साइड से ये हमारा सेकेंडरी कलर वाला 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। अब 4 लाइन प्राइमरी कलर के ऊन से बुना जाएगा। तो 7 फंदा सीधा, बॉर्डर का 7 फंदा सीधा, ऊन अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 6 फंदा उल्टा, और बुने हुए 6 फंदों में से बीच के तीसरे और चौथे फंदे को स्लिप कर लेना। ये स्लिप किया हुआ फंदा है, तो ये फंदा और साइड से 2-2 फंदे यानी 6 फंदा हम प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टा बुन लेंगे। 6 फंदा उल्टा बुनने के बाद 2 फंदा स्लिप करेंगे। अब देखिए, ये 2 फंदा स्लिप किया गया है, तो ये 2 फंदा और साइड से 2-2 फंदे ले लेंगे और प्राइमरी कलर के ऊन से उल्टे बुन लेंगे।
दो फंदा स्लिप करेंगे, छह फंदा उल्टा और लास्ट में दो फंदा स्लिप करेंगे और बॉर्डर के सात फंदे सीधे बना लेंगे। अब देखिए सेकेंडरी कलर के एक दो तीन चार पाँच छः सात डिज़ाइन और प्राइमरी कलर में एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि टोटल 13 डिज़ाइन बन के कम्प्लीट हो गए हैं और यहाँ पे लाइन हो गई है 26 और ये और हमारा पांच धारी ये। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस और ये 31 धारियाँ कंप्लीट हो गई है और हम हैं रॉन्ग साइड से। तो अब बॉर्डर के सात फंदे हम सीधे बना लेंगे, बीच के सभी फंदे उल्टे और फिर दूसरी साइड के बॉर्डर के भी सात फंदे हम सीधे बना लेंगे। लास्ट फंदा उल्टा और फिर जैसे नीचे बॉर्डर में पांच धारियां बनी हैं ऐसे ही हम पांच धारियां ऊपर बना लेंगे, यानी 10 लाइन हम सीधा सीधा बुनेंगे, आगे से भी सीधा और पीछे से भी सीधा। तो मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ऊपर भी पांच धारियाँ बन गई हैं और अब हम इसके तीन पार्ट करेंगे। तो हम पहले 16 फंदा सीधा बुनेंगे, हम दूसरी ओर करेंगे ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह और सोलह। अब 15वें फंदे को उठाएंगे और 16वें फंदे पर ऐसे डाल देंगे, ये हमारा एक फंदा घट गया। इस तरह करके हम 20 फंदे घटा लेंगे। तो एक घट गया, ये दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस और ये बीस। ये 20 फंदे हमारे गले के घट गए। अब शेष बचे हैं 14 फंदे, उन्हें हम बुन लेंगे। तो हमारे दोनों शोल्डर पे 14 फंदे हो गए और गले पे 20 फंदा घट गया है। अब हमें इन 14 फंदों को 14 लाइन तक बनाना होगा। 14 लाइन मीन्स 14 हमारा सीधा लाइन आना चाहिए, यानी 28 लाइन बनाना चाहिए। अब हम सिर्फ इन्हीं 14 फंदों को बुनेंगे। ये दूसरा लाइन हुआ घटने के बाद से, और एक धारी तैयार हो गया। इसी तरह हमें 14 धारी तैयार करना है।
धारी तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारा 14 धारी ये कंप्लीट हो गया है घटने के बाद से। देखिए यहाँ से हम गिनेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और अब हमें इस साइड भी 14 धारियाँ बनाना होगा, यानी 28 लाइन सीधा सीधा बुनना होगा। तो हमारा ऊन यहाँ पे है और हम अब इन फंदों को दोनों तरफ से सीधा बुनते हुए 14 धारी कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ भी 14 धारियाँ बनके तैयार हो गए हैं और ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो आप इतना बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।